वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर आपको सबसे पहले दो पॉइंट ये समझने हैं, और मेंस की एग्जाम, मेंस की शीट के अंदर या नीट की शीट के अंदर कुछ डाउट्स थे स्टूडेंट के, वो वेरिएबल फोर्स के थे। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स 50 न्यूटन लग रही है, गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट इसकी आगे की तरफ एस इज इक्वल टू 5 मीटर हो रही है, तो बताओ वर्क डन क्या होगा। आप बोलेंगे जी 50 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ जीरो, तो आंसर क्या आएगा 250 जूल आ गया, डन। इस एग्जाम्पल में फोर्स क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है तो F into S आंसर डन। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी मिलेंगी आपको जिसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट देगा, सेम चीज है, इस पे फोर्स लग रही होगी, तो फोर्स लग रही है और सपोज बॉडी यहां से यहां आ गई एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर से डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर तक, और वो कहेगा फोर्स की वैल्यू है 10x। अब जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा फोर्स भी बढ़ती जाएगी, यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं करना, एफ इनटू एस, फोर्स वेरिएबल एक प्रॉब्लम है। जब फोर्स वेरिएबल है तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा एफ बढ़ेगा, तो जैसे एक्स 0.1 मीटर हुआ तो फोर्स बढ़ गई, 0.2 मीटर हुआ फोर्स बढ़ गई, 3 मीटर हुआ फोर्स बढ़ गई। अब फोर्स बढ़ गई तो वर्क डन भी बढ़ गया, ज्यादा फोर्स ज्यादा वर्क डन, पहले कम फोर्स कम वर्क डन, फिर अगले इंस्टेंट पे फोर्स बढ़ गई तो ज्यादा वर्क डन, फिर अगले इंस्टेंट पे और फोर्स बढ़ गई ज्यादा वर्क डन, और फोर्स बढ़ गई ज्यादा वर्क डन, तो टोटल वर्क डन कितना है। अब प्रॉब्लम है यहां वर्क डन डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है, यहां डिफरेंट, डिफरेंट 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 बढ़ती जा रही, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ता है, स्मॉल वर्क डन। तो जितने जितने इंटरवल छोटे 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 इंटरवल में छोटे छोटे वर्क डन निकलेंगे उनको मिलाएंगे, मिला के टोटल वर्क डन आएगा, क्योंकि सारे वर्क डन एक जैसे नहीं है। तो हमें क्या टेक्निक यूज करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन। तो रूल नंबर 1, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो नो इंटीग्रेशन, अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्वेश्चन वर्क डन का 101% किससे निकलेगा, बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकलेगा, एफ इंटू, मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक इसकी कितनी है, डीएक्स, एफ डीएक्स कॉस 0, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन में एफ की जगह क्या पुट करेंगे, 10 इंटू एक्स इंटू डीएक्स। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो एक्स की लिमिट क्या लगेगी, 1 से लेके 5 तक। जब 1 था बॉडी यहां से चली थी तो वर्क डन 0 है, और जब बॉडी यहां पर पहुंच गई तो वर्क डन डब्ल्यू है, तो 1 dW की इंटीग्रेशन डब्ल्यू होती है, 10 बाहर आ गया, एक्स डीएक्स हो गया कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक, 10 इंटू x square divided by 2, कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक, तो ये कट गया 5, तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, लगा लेना आंसर। कॉन्सेप्ट ये है, अगर फोर्स वेरिएबल है आप सीधा मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकाल नहीं सकते, आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो नो इंटीग्रेशन। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो नोट लिखो अपने फॉर्मूला रजिस्टर में, नोट लिखो, नोट ये लिखोगे कि इफ फोर्स इज कांस्टेंट तो वर्क डन इज एफ इनटू एक्स, ब्रैकेट में नो इंटीग्रेशन, और दूसरे केस में इफ फोर्स इज वेरिएबल तो फॉर्मूला लिखो वर्क डन का एफ डीएक्स, ठीक है, एक्स वन से लेके एक्स टू तक जो भी लिमिट्स गिवन होंगी, तो कैसे, बाय इंटीग्रेशन, ये लिखो बाय इंटीग्रेशन, ये नोट लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें, क्लियर है। अब दूसरी चीज, एक चीज समझो इसमें, अब यही चीज अगर मैं ग्राफिकली समझाऊं,
ग्राफिकली सपोज करो आपके पास एक ग्राफ है एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ है और इस ग्राफ में फोर्स इज अ कांस्टेंट सपोज, ये देखो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, मान लो 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट में आपको दे रहा हूं एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर और आपसे ये कहता हूं इसका एरिया निकालो, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा एफ इंटू एक्स यानी कि 10 इंटू 5 यानी कि 50 जूल आंसर आ गया आंसर, तो यानी कि एक रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया एरिया अंडर एफ एंड एक्स ग्राफ क्या देगा वर्क डन, क्लियर है यहां तक। लेकिन अगर सपोज करो क्वेश्चन ऐसे देता हूं ये एफ है और ये एक्स है और ग्राफ ऐसा है, फोर्स क्या हो रही है वेरी, किसने कहा सर इसका एरिया निकाल के दिखाओ, मैंने कहा मेरे को तो नहीं आता एरिया निकालना है इसका, मैं कैसे निकाल लूंगा एरिया यार फिगर ही अजीब सी दे रहा है तो एरिया कहां से आएगा, उसने कहा ट्राई तो करो, मैंने कहा देख मेथड सिखा देता हूं ट्राई तो कर लियो, कैसे तू माइक्रोस्कोप लेके इसके अंदर घुस जा, बस इतना सा पॉइंट ले ले बस, तेरे को पॉइंट ना बिल्कुल ही स्ट्रेट नजर आने वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि पॉइंट की लंबाई टेढ़ी थोड़ी ना है तो पॉइंट होता है। अब उसने कहा इससे क्या होगा, मैंने कहा देख तेरी जो फोर्स है यहां पर लेट अस सपोज वो एफ है ठीक है, और तू एक काम करियो ये नीचे का पोर्शन ले लियो क्योंकि ये एक्स है तो स्मॉल पोर्शन क्या है डीएक्स है, ये डीएक्स, तो ये डीएक्स है और ये एफ है, तो एक काम कर तू इसका स्मॉल वर्क डन एरिया निकाल दे, ये स्मॉल एरिया क्या होगा एफ डीएक्स, तो तेरा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो आ गया डीडब्ल्यू। उसने कहा फिर बाकी पोर्शन का क्या होगा, बिल्कुल मैंने कहा ऐसे ही कर, बाकी पोर्शन के अंदर भी एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी जिसके अंदर इसका एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां पर एफ की वैल्यू किसी इंस्टेंट पर लेनी पड़ेगी और यहां पर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा यहां की जो भी फोर्स की वैल्यू है इनटू डीएक्स। तो उसने कहा जी टोटल टोटल वैल्यू कैसे आएगी इसमें, ठीक है, तो उसने पूछा कि टोटल वर्क डन कैसे निकले, मैंने कहा देख यहां से स्टार्ट हो जाए, पहले इसका एरिया निकाल फिर इसका निकाल फिर इसका निकाल इसका निकाल इसका छोटे छोटे एरिया निकाल तेरे पास अपने आंसर आएगा। मैं वो कह रहा कि आप ये कह रहे हो कि जो भी एफ डी एक्स होगा ऐसे सारे एफ डी एक्स को मिला दूं, मैंने कहा हाँ मिला दे, मिलाने को क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन कर दे, तो तेरे पास क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जो मैंने आपको बात बताई कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो प्लीज यूज इंटीग्रेशन, ये इसका प्रूफ है कि इंटीग्रेशन से ग्राफिकली इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, हालांकि हमने एरिया निकालना नहीं इसका, मेथड बता रहा है कि बाय इंटीग्रेशन वेरिएबल फोर्स को कैसे हैंडल करना है, क्लियर है यहां तक, कॉन्स्टेंट तो भी वही लगाना पड़ेगा, वो क्या करना है मैं बताऊंगा उसके, कोई बात नहीं, पर चेंज तो हो रही है ना तो इंटीग्रेशन, तो ये आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है, ये देखो चेंजिंग है, इसने इंटरवल थोड़े बड़े ले लिए, पहले डेल्टा एक्स डीएक्स की जगह डेल्टा एक्स, तो इसका एरिया क्या होगा एफ इंटू डेल्टा एक्स और सारे एफ डेल्टा एक्स को मिलाएंगे, मिला दिया समेशन, तो आपके पास टोटल एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स आएगा, तो टोटल वर्क डन आएगा, पर हम इंटरवल फिजिक्स में छोटे लेते हैं, डेल्टा एक्स बहुत छोटा लिया जाता है तो लिमिट इसकी क्या ली जाती है बहुत छोटी, तो जब लिमिट बहुत छोटी होती है कैलकुलस में किया था डेल्टा एक्स इसमें कन्वर्ट हो जाता है डीएक्स, समेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन, तो देखो ये रिजल्ट आ गया, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वेरिएबल फोर्स में करना क्या है, तो आज के बाद ये आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा कि आपने कहां से सीखा, समझाने के लिए बताया आपको नहीं आएगा, आपको बस ये पता होना चाहिए वेरिएबल फोर्स में ये फॉर्मूला लगता है दैट्स इट। तो इसके बेस पे जैसे क्वेश्चन आएगा ये आपने होमवर्क करना है कि इसका ये फोर्स गिवन है और ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इसका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लो कितना लगा, क्या करेंगे एरिया निकाल दो, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि ऊपर की फोर्स पॉजिटिव है नीचे की फोर्स नेगेटिव है, तो ऊपर के एरिया पॉजिटिव नीचे के नेगेटिव टोटल आंसर आएगा, करोगे ट्राई घर जाके ट्राई करना। क्वेश्चन है एक वुमेन पुशेस अ ट्रक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज अ रफ सरफेस, तो वो कितनी फोर्स अप्लाई करती है 100 न्यूटन, कब तक जब तक बॉडी कितने मीटर ट्रेवल करती है 10 मीटर, तो 10 मीटर तक वो 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करती है, बिटवीन 10 और 20 मीटर फोर्स डिक्रीजेस टू 50 न्यूटन, 10 और 20 में 50 न्यूटन तक ले आती है, तो पहले फोर्स कांस्टेंट है फिर फोर्स 50 हो गई, कोई डाउट इसमें,
ठीक है, ग्राफ बन गया। क्वेश्चन नंबर वन, और पूरे जर्नी में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 50 न्यूटन कहते हैं, नोट कर लो। कैलकुलेट वर्क डन बाय वुमेन, अब वुमेन ने कितना वर्क डन किया, वुमेन ने ये फोर्सेस लगाई तो वर्क डन क्या होगा, इस शेडेड एरिया, शेडेड एरिया का मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया, आंसर नंबर वन। फिर वो कह रहे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स है कितनी 50, और टोटल जर्नी कितनी है 20, तो 50 × 20 1000, साइन नेगेटिव, तो -1000 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन। ग्राफ से इसका कोई लेना देना नहीं है फ्रिक्शन का, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आपने सोचना है, वर्क डन बाय वुमेन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, क्लियर है यहां तक। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एफ पता है वेरिएबल है कि नहीं, है कि नहीं, अब खुद थोना के बोलेगा, लिखा तो है एक्स, फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे, एक्स चेंज होगा, इट्स अ वेरिएबल फोर्स। तो क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 मीटर में अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो स्ट्रेट अवे वर्क डन क्या होता है, एफ डी एक्स, लिमिट क्या 0 से लेके 2 तक, एफ की वैल्यू को पुट कर लेना यहां पर, बोलो कितनी 15 + 0.5x dx, कहां से कहां तक 0 से 2 तक, 15 कांस्टेंट आ जाएगा, 1 dx कहां से कहां तक 0 से 2 तक, 0.5 कांस्टेंट आ गया, x dx कहां से कहां तक 0 से 2 तक, तो इसकी इंटीग्रेशन x² / 2, इसकी 1 dx की x, इंटीग्रेशन पुट करें, सॉल्व करें, घर जाके आंसर आएगा वेरिएबल फोर्स। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है, तो फर्स्ट स्टेप नोट कर सकते हैं, बाकी तो आप इसको ट्राई करेंगे घर जाके। आपको ये नहीं फील हो रहा वर्क डन का अपना कुछ नहीं है, ये बेसिकली हो क्या रहा है, कुछ वेक्टर यूज करे जा रहा है और कुछ इंटीग्रेशन, ऐसी है ना, लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, कनाडा इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, तो वर्क डन जी इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट, सेम, वो कभी वेक्टर यूज कर लेता है, कभी काइनेमेटिक्स कर लेगा, पड़ोसियों का ज्यादा यूज करता है, दूर बुला बुलू के, अपना कुछ नहीं इसका, एफ एस कॉस थीटा में डन कर गया अपना काम, करते रहो जो कुछ सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसका अपना कुछ भी। समझ में आ रहा है, फोर्स और एक्स, टोटल वर्क डन क्या होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस इसका एरिया, ये भी क्लियर है, होमवर्क लिखो ये सारा, ठीक है।